सब्सक्राइब कीजिए एम्प्लॉइज टेक्निकल चैनल को एंड बेल आइकन को दबाइए एम्प्लॉइज और टेक्निकल रिलेटेड वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, एम्प्लॉइज टेक्निकल में स्वागत है आप सभी का। ये आप देख सकते हैं प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो की तरफ से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कैबिनेट अप्रूव्स इंक्रीज इन डीएनएस अलाउंस एंड डीएनएस रिलीफ। कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया है डीए और डीआर। और इसी के साथ हम ये वीडियो में बताने आया हूँ कि डीए के साथ आपका एचआर भी बनने वाला है और कितना परसेंट बढ़ेगा और कैसे बढ़ेगा और क्या चीज़ का रूल है जो कि सेवेंथ पे कमीशन में लागू। आपको मतलब किसी किसी का पता होगा, तो आपका अगर पता नहीं है तो ये वीडियो में बने रहे हैं। तो एचआर कैसे बढ़ेगा, कितना बढ़ेगा आप देख सकते हैं। तो पहले डीए के बारे में जान लेते हैं कितना परसेंट बढ़ा है। और ये देखिए, द कैबिनेट कमिटी चेयर्ड बाय द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी टुडे हैज अप्रूव्ड इंक्रीज द डीए टू सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय एंड डीआर टू पेंशनर्स विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 जुलाई 2021 टू 28%, रिप्रेजेंटिंग एन इंक्रीज ऑफ 11% ओवर द एग्जिस्टिंग रेट ऑफ 7% ऑफ द बेसिक पे और पेंशन। पेंशन और बेसिक पे में जो 17% का डीए चल रहा था, तो ये 28% हो गया, मतलब 28%, मतलब 11% का इंक्रीज हुआ। और ये आप देख सकते हैं, इन व्यू ऑफ अनप्रेसिडेंटेड सिचुएशन व्हिच एरोज ड्यू टू द कोविड-19 पेंडेमिक, दे थ्री एडिशनल इंस्टॉलमेंट्स ऑफ डीएनएस अलाउंस टू सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज एंड डीआर टू पेंशनर्स व्हिच आर ड्यू फ्रॉम जनवरी 2020 और जुलाई 2020 एंड जनवरी 2021 हैज बिन फ्रोजन। मतलब ये तीन को जो इंस्टॉलमेंट है ये मतलब फ्रीज किया गया था डीए का, और ये अभी अनफ्रीज हो गया है। नाउ द गवर्नमेंट हैज़ डिसाइडेड टू इंक्रीज द डीए टू सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज एंड डीआर टू पेंशनर्स विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 जुलाई 2021 टू 28% रिप्रेजेंटिंग एन इंक्रीज ऑफ 11% ओवर द एग्जिस्टिंग रेट ऑफ 17% ऑफ द बेसिक पे। द इंक्रीज रिफ्लेक्ट्स द एडिशनल इंस्टॉलमेंट अराइजिंग ऑन 1 जनवरी 2020 एंड 1 जुलाई 2020, 1 जनवरी 2021। द रेट ऑफ डियरनेस अलाउंस और डियरनेस रिलीफ फॉर द पीरियड 1 जनवरी 2022, 13 जून 2021 शैल रिमेन एट 70%। मतलब एरियर मिलने वाला नहीं है, मतलब साफ साफ बताया गया है कि जो 1.5 साल के लिए फ्रीज किया था वो 17% ही रहेगा, जो कि एरियर मतलब एरियर मिलने वाला नहीं है। ओके, तो ये था आज का न्यूज़ जो कि आपके पास पहुंच गया होगा कि कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया डीए। लेकिन इसी के साथ हम एक खास वीडियो बनाया है इसलिए कि आपको ये दिखाने के लिए कि सेवेंथ पे कमीशन में जो 2017 सेवेंथ जुलाई को जो इम्प्लीमेंट हुआ था जो एचआर में, या देखते हैं सब्जेक्ट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रिकमेंडेशंस ऑफ सेवेंथ सेंट्रल पे कमीशन रिलेटिंग टू ग्रांट ऑफ हाउस रेंट अलाउंस टू सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज। ये आप देख सकते हैं जो कि सिटी और टाउन के तो मतलब क्या कैटेगरी किया गया था, XYZ। एक्स के लिए मतलब A1 सिटी के लिए 24%, वाई के लिए 16% और जेड के लिए 8%। देख सकते हैं जो कि हाईलाइट किया गया है, द रेट्स ऑफ एचआरए विल बी रिवाइज टू 27%, 18% एंड 9% फॉर XYZ क्लासेस सिटीज रेस्पेक्टिवली व्हेन रियलेंस अलाउंस क्रॉसेस 25%। देखिए अभी 28% हो गया, मतलब 25 से ज़्यादा हो गया, तो अभी हम लोग को जो मिल रहा था फिलहाल तो ये 24 हिसाब से मिल रहा था, लेकिन अभी 27 हो जाएगा, 27%, 18% और 9% आपको मिलने वाला है एचआरए, जो कि आपका 8% था 9% होगा, 16% था वो हो जाएगा 18% और 24 था वो 27% हो जाएगा। फर्दर रिवाइज टू 30%, 20% और 10% व्हेन डीए क्रॉस 50%। जब 50% क्रॉस हो जाएगा तब आपका एचआर हो जाएगा 30, 20 और 10% हो जाएगा। ये आपको जरूर ध्यान में होगा, लेकिन ये जो निकला था सर्कुलर ये 2017 में निकला था जो कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की तरफ से,
इसीलिए जो डीए अभी बढ़ा है 11% का और 28% टोटल हो गया है, तो इसी के साथ आपका एचआरए में भी मतलब बनने वाला है, एचआरए बनने वाला है जो कि आपको मैक्सिमम 3% बनने वाला है। तो ये वीडियो कैसे लगा आप कमेंट में बता सकते हैं, और अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि मैं इसी तरह का वीडियो आप लोग के लिए बनाता रहता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।